Hi students of class 12th English literature, greetings. This is M. Rahman and you are attending RSE classes of English language. We welcome you to our lecture 2 that is based on the chapter number 4, the Rat Trap, that is taken from the book Flamingo NCERT class 12th. Today we are going to begin paragraph number 6 in Hindi version. तो हिंदी वर्जन में इस पैराग्राफ नंबर 6 को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर के पैराग्राफ नंबर 5 तक क्या स्टोरी रही है, इसको रिकैप कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप इज रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ। ये एक स्वीडिश राइटर हैं और हमने आपको बताया था कि एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग पर काम करते हैं। ये संसार के अंदर वे संवेदनशीलता पैदा करना चाहते हैं अपनी राइटिंग से कि ह्यूमैनिटी में दूसरे की भलाई चाहना और गुडनेस फील करना और करवाना ही सबसे बड़ी बात है। इसमें स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि पैराग्राफ नंबर 1 से एक पैडलर इंट्रोड्यूस किया जाता है। पैडलर बहुत ज्यादा गरीब है, वह एक होमलेस वांडरर है, वह ऐसे ही भटकता रहता है। उसकी पूरी जो जिंदगी का इस समय आधार है वह चूहेदान बनाना, उनको बेचना और जो भी पैसा आता है उससे अपनी जिंदगी बनाना, और वह इतना परेशान हाल है कि उसे चूहेदान बनाना भी एक बहुत मुश्किल और बड़ा काम लगता है। वह कल कारखानों में जाता है, वहां से कुछ तार और जाली मांगता है और किसी तरह से चूहेदान तैयार करता है। जो सामान की कमी पड़ती है वह उसको चुराने में भी झिझकता नहीं है। इस तरह से बमुश्किल तमाम बड़ी मुश्किल से वह इन चूहेदानों को बनाता है और अपनी जिंदगी का गुजर बसर करता है, और ये काम उसके लिए बड़ा मुश्किल है। उसका जो बॉडी है वो बहुत ही मैल न्यूट्रिशन है, उसका चेहरा बहुत ही संकन सूखा हुआ नजर आता है, उसकी आंखों में भूख नजर आती है और एक गरीबी और परेशानी नजर आती है। उसका जो जीवन है वो बहुत ही अकेलापन है और बहुत ही बेचारगी से भरा हुआ है। जब वह सड़क पर एक बार जा रहा था तो वह अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी उसे एक विचार आया कि ये संसार जो है एक आकर्षण के समान है, ये एक पिंजरे के समान है और इसके अंदर के जितने आकर्षण हैं, जो यहाँ की वेल्थ है, जो यहाँ की रिचीज हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो जॉयज हैं, वे सब अपने आप में उस बेल्ट के समान है जो चूहेदान में लगाया जाता है। तो ये पूरा संसार उसने तुलना किया एक चूहेदान से, और उसके अंदर के जो आकर्षण है, जो मजे हैं, जो आनंद है, उनको तुलना की उसने बेल्ट उस चूहेदान में लगाए जाने वाले उस रोटी के टुकड़े से, जिसको देख करके चूहा आता है और फंस जाता है। इसी तरह से लोग यहाँ पर आनंद लेने में बहुत आकर्षित होते हैं और जैसे ही वो उन आनंदों की तरफ बढ़ते हैं तो उनमें फंस जाते हैं। कुछ फंस जाते हैं, कुछ उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं। यहाँ पर चूहे दान वाला ये सोच करके बहुत ज्यादा खुश होता है कि मैं तो परेशान हूँ, लोग मुझे इग्नोर करते हैं और मेरे को बहुत ही सावर निगाहों से देखते हैं, टेढ़ी निगाहों से देखते हैं। एक दिन ये भी चूहे दान में फंसेंगे और बहुत मजा आएगा। ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। एक शाम क्या हुआ कि वह जा रहा था और उसको एक कॉटेज मिली और रात में उसे कहीं ना कहीं आश्रय लेना था, स्टे करना था। उसके लिए उसने दरवाजा उसका खटखटाया, एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया, उसने उस चूहेदान बेचने वाले को अपना गैस स्वीकार कर लिया और उसको अंदर बुला करके उसका अतिथि सत्कार किया और उसको वह सारी बातें बताई जो कि एक बहुत ही किसी अपने व्यक्ति को बताई जाती हैं। अब देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होता है। लेट्स बिगिन पैराग्राफ नंबर 6। पैराग्राफ नंबर 6 में आप देखेंगे कि हमने टाइटल दिया है डिस्प्ले ऑफ 3-10 कोरोना नोट्स। तो कौन सा डिस्प्ले, कौन से 3 कोरोनर और कौन से 3 नोट्स, आइए देखते हैं। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। जो स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर मीन्स जो गेस्ट बनकर वहां पर आया था पैडलर, वह इस क्रॉफ्टर मतलब जो कि एक मिस्त्री कह सकते हैं या लोहार का काम करने वाला व्यक्ति कह सकते हैं, उस कारखाने में जो रेमशो आयरन वर्क्स में काम किया करता था, आपने पैराग्राफ नंबर 5 में देखा, इसको ये जो रैट ट्रैप पैडलर था, वह स्ट्रेंजर था, वह इनक्रेडुलस लगा। उसे लगा कि इसको विश्वास नहीं हो रहा है जो भी कुछ बताया क्रॉफ्टर ने उस पर। फॉर इसलिए द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। इसलिए वह बूढ़ा कौन जिसकी ये कॉटेज थी, वह उठा, वह विंडो तक गया, टू डाउन अ लेदर पाउच, उसने लेदर पाउच उठाया और क्या किया, विच हंग ऑन द नेल। नेल का मतलब होता है खूंटी या पैग। यह पैग वो वाला पैग नहीं है जो शराब के लिए होता है, यह पैग खूंटी के लिए है। नेल इन द एवरी विंडो, द वेरी विंडो फ्रेम, और ये जो खूंटी लगी थी ये उस
ठीक विंडो फ्रेम में लगी थी जो उनके बिल्कुल नजदीक थी। यहाँ पर द वेरी विंडो फ्रेम का मतलब है ठीक उसी विंडो में जो उनके नजदीक थी, तो यहाँ पर वेरी ठीक उसी को एम्फेसाइज करने के लिए है। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल 10 कोरोनर बिल्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ उसने उस पोर्ट उस जो पाउच में से 3 रिंकल मीन्स बहुत ही तुड़े मुड़े बहुत ही ज्यादा रिंकल पड़े हुए 3 जो है 10 कोरोनर के बिल निकाले। बिल कहते हैं नोट को, जैसे 10 रुपए का नोट, और वो जो एक नोट था वो 10 का था और जो रुपए है क्रोनर वहां की करेंसी है, तो 10 क्रोनर बिल्स उसने 10 रुपए के नोट निकाले। दीज ही हेल्ड अप, ये नोट उसने उस अपने विजिटर अपने गेस्ट की आंखों के सामने हिलाए। ऑफिस गेस्ट नोडिंग नोइंगली, और हाँ में सिर हिलाते हुए। अभी आगे बढ़ेंगे, पहले इस पैराग्राफ को सुन लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पैराग्राफ नंबर 5 में मैं बता रहा था कि उसकी गाय उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसकी क्रेमरी और मिल्क बेच करके वह अपना रोजी रोटी कमाया करता था और उसी से उसने अपनी जो अर्निंग थी उसी को सोर्स मान रखा था। उसे लगा कि उसके स्ट्रेंजर को ये बात हजम नहीं हुई है, सीम्ड इनक्रेडुलस, उसे लगा कि ये बात उसे अविश्वसनीय लगी है, इसलिए उसने उसको ये जताने के लिए कि वह सच बोल रहा है 10 क्रोनर नोट्स निकाले, यानी 30 रुपए कह सकते हो आप इंडियन करेंसी की लैंग्वेज में, और उसकी आंखों के सामने हिलाया। आईज ऑफ द गेस्ट नोडिंग नोइंगली, नोडिंग का मतलब होता है मूविंग योर नेक इन टू इंडिकेट यस, यानी हां कहने में अपनी गर्दन को हिलाना। एंड यू कैन से एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और उसके बाद उसने उन नोटों को वापस पाउच में डाल दिया। तो यहां पर एक बार फिर हम देख लेते हैं कि इस पैराग्राफ को हमने क्या टाइटल दिया है। इस पैराग्राफ को हमने टाइटल दिया है डिस्प्ले ऑफ 3 10 क्रोनर नोट्स। तो इसमें जब जैसे ही आप ये हेडिंग याद करते हैं डिस्प्ले ऑफ 3 10 क्रोनर नोट्स, तो आपको तुरंत याद आ जाता है पहले इनक्रेडुलस लगा तो वह उसी खिड़की के पास गया, खिड़की के पास गया तो पाउच निकाला तो 3 क्रोनर नोट्स निकाले। 3 क्रोनर्स जो थे, जो बिल्स या नोट्स कुछ भी बोल सकते हो, वह तुड़े मुड़े थे और हाँ में गर्दन हिला करके उसको अच्छी तरह से जताने के बाद उसने उनको वापस पाउच में रख दिया। देखिए कितनी आसानी से पूरा सीक्वेंस याद हो गया। और किसी भी लॉन्ग आंसर को कहीं भी कुछ भी आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए, चाहे वह आपने प्रैक्टिस किया हो या ना किया हो, वह बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, अगर कुछ नया भी क्वेश्चन आए और आप चैप्टर को इस तरह से पढ़ते हैं तो आप आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहां पर आपने एक ये नई चीज भी सीखी कि अगर आपको चैप्टर लाइन बाय लाइन वर्ड फॉर वर्ड क्लियर है तो आपको बहुत ज्यादा आंसर्स क्रैम करने की जरूरत नहीं होती। आपको लर्न अगर करना है तो चैप्टर का एक एक वर्ड मीनिंग, चैप्टर को पूरे सीक्वेंस में कोहेरेंस में लर्न करना जरूरी है। नाउ लेट्स बिगिन पैराग्राफ नंबर 7। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, ये जो हमने अंडरलाइन किया है ये आप अपनी लैंग्वेज में इन एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हैं। अगले दिन सुबह में दोनों ही जो व्यक्ति थे इन गुड सीजन अच्छे मूड में उठे, अच्छे भाव के साथ उठे। तो इन गुड सीजन आपको वर्ड मीनिंग जो रटने वाले बच्चे हैं उनको लगेगा कि क्या अजीब लैंग्वेज है, लेकिन जब आप मोर देन वर्ड मीनिंग काम करते हैं तो आप कहेंगे कि नहीं ये एक बहुत अच्छी लैंग्वेज वाला चैप्टर है। तो यहां पर क्या करेंगे आप, अगली सुबह द नेक्स्ट डे, यानी अगली सुबह का मतलब यहां मॉर्निंग लिखना जरूरी नहीं है। गुड सीजन में उठे द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी, अब लिखेंगे वॉज इन अ हरी। जब भी आप हरी यूज करते हैं तो ए लगाना जरूरी होता है और ये आर्टिकल का यूज आपके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में पूछा जाता है और ऐसी जगह पर आर्टिकल लगाना जनरली बुक्स में नहीं सिखाया जाता, तो आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ से सीखेंगे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी, क्रॉफ्टर बहुत जल्दी में था टू मिल्क हिज काउ, गाय का दूध निकालने में, तो या गाय को दुहने में। कई बार जब हम स्टोरी बनाते हैं ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स और वर्ड मीनिंग्स की जरूरत पड़ती है जिसके अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो काफी मुश्किल सा लगता है। जैसे दुहना, दुहना मतलब गाय का दूध निकालना, तो यहां पर मिल्क को वर्ब बना लिया जाएगा टू मिल्क हिज काउ। तो वह सुबह किस लिए उठा, वह सुबह इसलिए उठा ताकि वह अपने गाय को दूह सके, दूध निकाल सके। एंड अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। ये जो लाइंस हमने अंडरलाइन की हैं ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसके कई सारे रीजंस हैं। पहले तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है,
कि अदर मैन प्रोबेबली थॉट, शायद उस दूसरे आदमी ने यह विचार सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, उसे नहीं सोते रहना चाहिए, उसे बेड में नहीं पड़े रहना चाहिए, कुछ भी हिंदी आप बोल सकते हैं, द हेड ऑफ दिस हाउस हैड गॉटन अप, जबकि इस घर का मालिक पहले ही उठ चुका हो। दूसरी इम्पोर्टेंस इस सेंटेंस की यह भी है कि यहां पर हम जान पाए कि जो पेडलर है, जिसे हम गंवार मान रहे हैं, जिसे हम बड़ा ही मेलेंकलिक मान रहे हैं, उदास और अकेला मान रहे हैं, जिसको दुनिया से कटा हुआ मान रहे हैं, ये देखिए कि उसके अंदर विचारशीलता कितनी है। उसने ये सोचा कि जब घर का मालिक मुझसे पहले उठ गया है, उसमें इतनी समझ थी कि वह सोच सके, तो मैं कैसे बिस्तर में पड़ा रहूं, ये अच्छा नहीं महसूस होता, इसलिए वह भी उठ गया। तो यह बात एक बहुत ही सोशली मोरली हमारे कैरेक्टर को स्ट्रेंथन करती है, ये एक सीख देती है कि अगर हम कहीं जाएं और वहां का माहौल किसी तरह का है, वे लोग सुबह जल्दी उठते हैं और हम सोते रहें, तो हम उनके ऊपर एक बैड इंप्रेशन छोड़ेंगे, तो हमें जैसा देश वैसा भेस, हालांकि ये बुरी जगहों पर आप प्लीज अप्लाई ना करें, लेकिन अच्छी जगहों पर अगर आपके अंदर अच्छी आदतें नहीं है तो वहां जरूर उन अच्छी आदतों को शुरुआत करें, जैसा कि जो आपका पैडलर है द रेड ट्रैप चैप्टर में, इसकी इस आदत से पता चला कि आप कितने भी रस्तिक गंवार क्यों न हो, अगर कहीं अच्छा हो रहा है तो आप कोशिश करें कि आप चेंज करें। और वो अच्छाई क्या थी कि क्रॉफ्टर को जब उसने देखा कि जल्दी उठ गया है तो वह स्वयं भी उठ गया। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और इस चैप्टर में यहां ज्यादा समय न लगा करके उन्होंने नाश्ता किया या कुछ किया, मतलब दोनों ने जो भी कुछ किया हो उसके बाद दोनों ने ही एक समय पर घर छोड़ा। अब यहां से एकदम घर छोड़ने की बात है, हो सकता है उन्होंने नाश्ता किया या जो भी उनकी सुबह की कार्य प्रणाली रही उसको उन्होंने पूरा किया, एक साथ दोनों घर से निकले। अब देखिए जो क्रॉफ्टर है, जो वहां का मालिक है, भाई उसे काम पर जाना है, तो ऑफकोर्स जो गेस्ट है उसे तो वहां पर रुकना ही नहीं है, इसलिए पेडलर को भी बाहर आना पड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर ने दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू, अब आप देखिए कि मैनर्स इसके अंदर अभी भी हैं, और दोनों ने गुड बाय किया, थैंक यू बोला उसने क्रॉफ्टर को, कॉटेज ओनर को, और वहां से एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, देयर अपॉन मीन्स देयर आफ्टर इसके बाद, ये एक अच्छा वर्ड होगा आपके लिए, आप इसे याद करें, और इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। अब अपने अपने रास्ते चल दिए कि जो इंग्लिश होगी वो आपको जल्दी से याद नहीं रहती है, तो इस तरह से अपनी जो ट्रांसलेशन है उसको मजबूत बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि इस तरह के वर्ड्स जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं इनको कंपल्सरीली लर्न कर लीजिए। अब इस चैप्टर नंबर 7 का टाइटल हमने रखा मॉर्निंग एट द कॉटेज। अब मॉर्निंग कॉटेज में कैसे हुई, अगले दिन दोनों अच्छे मूड में उठे, क्रॉफ्टर पहले ही उठ चुका था क्योंकि उसे दूध निकालने की जल्दी थी, गाय को दूहना था, और उसको देख करके रेड ट्रैप पैडलर भी जल्दी उठ गया क्योंकि एक मेहमान को देर तक सोना मुनासिब नहीं था जबकि उसका मालिक पहले उठ गया हो। दोनों ने साथ घर छोड़ा, ताला लगाया गया, चाबी जेब में रख ली ओनर ने, और दोनों ने एक दूसरे को थैंक यू गुड बाय कहकर विदा हो गए। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 8 क्या कहता है, लेट्स बिगिन। बट हाफ एन आवर लेटर ये आपकी प्रैक्टिस में यूज होना चाहिए। हाफ एन आवर लेटर, लगभग आधा घंटे बाद द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, अरे यह क्या हुआ, रेड ट्रैप पेडलर फिर उसी दरवाजे के सामने खड़ा था। अब आप सोचेंगे वहां कैसे खड़ा था, हाँ हैरत की बात तो है, आइए देखते हैं। He didn't try to get in, अंदर जाने की कोशिश नहीं की। However, फिर भी, मतलब अगर अंदर जाना था तो बाहर क्यों खड़े थे, नहीं जाना था तो आए क्यों, तो यहां पर क्या हुआ, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, वो बाहर ही खड़ा हुआ था। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह केवल विंडो के पास आया। स्मैश्ड अ पेन, स्मैश्ड कहते हैं चकनाचूर कर देने को, और पेन कहते हैं खिड़की के शीशे को, तो खिड़की के शीशे को उसने तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, और अपना हाथ अंदर डाला, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद 30 कोरोनर, और उस पाउच को निकाल लिया जिसके अंदर 30 कोरोनर रखे हुए थे।
अब आप स्टूडेंट सोचेंगे कि ये क्या हुआ, वह आदमी जो सारी दुनियाओं को उस अट्रैक्शन में फंसते हुए देखकर खुश होने की कोशिश कर रहा था, इस विचार से खुश रहता था, अचानक वह स्वयं इस कार्य में लिप्त हो गया। वह संसार के इस धनवान संसार के धन के अंदर वह अट्रैक्ट हो गया और उसने वह काम कर डाला जो कि वह दूसरों से करने की आशा करते हुए उन्हें परेशान होते हुए देखने की सोच रहा था और खुश हो रहा था। आज क्या हुआ कि संसार की इस माया ने खुद उस व्यक्ति को जो ये सोच रहा था उसका बैलेंस खोने पर मजबूर कर दिया और वह चोरी कर बैठा। He took the money and thrust it into his own pockets. उसने रुपया निकाला और वह पैसा अपनी जेब में ठूस लिया। थर्स्ट एक ऐसा वर्ड है, मैं ठूस लिया इसलिए बोल रहा हूँ, जो कि रखने के कंपैरिजन में ज्यादा जो है खराब सा है। लेकिन जिस तरह से थर्स्ट उसने किया, तो यहाँ पर ठूसना वर्ड कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि थर्स्ट मैनर्स के अंदर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पुट नहीं है, कीप नहीं है, तो जिस तरह का एक्सप्रेशन इंग्लिश में है मुझे उसी लेवल की हिंदी बोलनी है। तो यहाँ थर्स्ट का मतलब है जेब में ठूस लिया, क्योंकि गंवार तरह का काम चल रहा है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, और उसने पूरी केयर के साथ पाउच जो है वो खिड़की पर टांग दिया। Back in its place and went away, उसी जगह पर जहाँ पर यह था और चला गया। तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो टाइटल है लिखने के लिए स्पेस ना होने की वजह से हमने यहाँ पर डाल दिया है theft. Theft या thievery, आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, theft, theft मतलब चोरी। तो जैसे ही आपको पैराग्राफ नंबर 8 हेडिंग के तौर पर theft याद आएगा, तो आपको याद आएगा कि आधा घंटे बाद वह लौटा, खिड़की के पास खड़ा हो गया, अंदर नहीं गया, शीशा तोड़ा, पैसे निकाले, पाउच वापस टांग दिया और वहां से चला गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 9। पैराग्राफ नंबर 9 शुरू करने में आइए देखते हैं बिगिनिंग क्या है। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। जिंदगी में हमेशा याद रखिए कि जब भी हम कोई शॉर्ट रास्ता अपनाते हैं, कोई भी शॉर्टकट अपनाते हैं, तो लगभग वे गलत होते हैं। देखिए, स्मार्टनेस उसे कहते हैं जहां पर आप काम भी बना लें और अपना मॉरल या कोई और नुकसान भी ना करें। लेकिन वह स्मार्टनेस नहीं होती जहां पर आपका कैरेक्टर खराब हो रहा हो, जहां पर आप नैतिक रूप से गिर रहे हो और आपको लगे कि मैंने सफलता हासिल कर ली, वहां पर आप स्वयं को खुद चीट कर रहे होते हैं। सो एज वॉज विद द रेट रैप पेडलर। तो ये जो पेडलर था, अब यहां पर देखते हैं उसने वह मनी अपनी पॉकेट में रख ली, वह बहुत ज्यादा खुश था शुरू में अपने स्मार्टनेस में। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि वह बहुत खुश था अपनी स्मार्टनेस में। अब आप खुद ये जज करेंगे कि क्या स्मार्टनेस थी, क्या ये खुशी का काम था। मुझे तो लगता है नहीं, बाकी आपका आंसर अभी हम इंतजार करते हैं। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक वे। शुरू में उसने ये रियलाइज किया कि पहले तो उसे हिम्मत नहीं करनी चाहिए कंटिन्यू जारी रखने की कि वह पब्लिक हाईवे पर चलता रहे। क्या समझे आप ये समझे होंगे कि जब उसने पैसे चुरा कर जेब में रख लिए तो उसे पकड़े जाने का डर था, इसलिए उसने डेयर्ड नॉट, उसने साहस नहीं दिखाया, अर्थात उसने सोचा कि पब्लिक हाईवे पर नहीं चलना चाहिए, अर्थात उसने साहस नहीं दिखाया कि वह पब्लिक हाईवे पर चले। तो पब्लिक हाईवे पर वह नहीं चलना चाहता था। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, लेकिन वह अपने रास्ते को तोड़ देना चाहता था, काट देना चाहता था, मतलब वहां से रास्ता बदल देना चाहता था। इन टू द वुड्स, वुड्स माने लकड़ियां नहीं, यहां पर वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट। तो हमारा आपसे सवाल है कि वह जंगल के रास्ते से क्यों जाना चाहता था। वह जंगल के रास्ते से इसलिए जाना चाहता था क्योंकि उसको लगता था कि पब्लिक हाईवे से जाने का मतलब है कि उसका जल्दी पकड़ा जाना, क्योंकि बूढ़ा वहां आएगा, वह पुलिस में कंप्लेन करेगा या वह खुद उसको ढूंढने की कोशिश करेगा और जल्दी ही उसको पकड़ लेगा, और इससे बचने के लिए उसने जंगल का रास्ता अपनाया। अब आप देखेंगे कि जैसा ही गलत पैसा पास आया, इस व्यक्ति ने गलत रास्ता अपनाया और ये परेशानी में फंसता चला जा रहा होगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स का मतलब आप ऐसे हिंदी नहीं निकालेंगे कि पहले घंटों में, बल्कि आप ऐसे हिंदी निकालेंगे कि शुरू शुरू के समय में
दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर बाद में इन द डे इट बिकेम वर्स, यह उसकी हालत वर्स मीन्स बैड, बद से बदतर होती चली गई। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और कन्फ्यूज कर देने वाला फॉरेस्ट था। विच ही हैड गॉटन इन टू, जिसमें वह प्रवेश कर गया था। तो आपने देखा कि जब कोई अनैतिक कार्य करता है तो मिसफॉर्च्यून उसका पीछा करता है, बदकिस्मती उसका पीछा करती है। देखने को तो पैसे उसकी जेब में होते हैं, वह अपनी नजर में सफल होता है, लेकिन डियर लर्नर्स, जो इसकी थीम है चैप्टर की, गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, वह अच्छाई उससे खोने लगती है और उसके मन में जो बेचैनी बढ़ जाती है वह बेशकीमती है। और वह इन 33 नोटों की वजह से, 30 कोरोनर्स की वजह से अपनी सारा चैन सुकून खो चुका है। कल वह दूसरों पर खुश हो रहा था, आज उसी स्थिति में फंस चुका है। ही ट्राइड टू बी श्योर, और अब वह श्योर हो जाना चाहता था। टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, वह एक निश्चित दिशा में जाना चाहता था। यानी चूंकि जंगल था और जंगल में रास्ता क्लियर नहीं था और चलते चलते बहुत देर हो गई थी, इसलिए ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर, कि उसे ये पता चल जाए पक्का कि वह जिस डायरेक्शन में जा रहा है डेफिनेट डायरेक्शन है कि नहीं, अर्थात वह इसको जंगल से बाहर निकालने में मदद करेगी या नहीं। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मतलब कभी आगे कभी पीछे, इस तरह से मुड़े हुए थे कि कुल मिलाकर के जहां पर वो चल रहा था बार बार वहीं घूमे जा रहा था। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, और रास्ते इस तरह से लौट पलट कर रहे थे, घूम घूम करके चल रहे थे, उसको सही रास्ता नहीं मिल रहा था। वह नहीं जानता था कि किस तरफ वह चलना शुरू करे कि जंगल से बाहर निकल जाए। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आप यहाँ से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जिस रास्ते को वह अपना रहा था वह बहुत ही ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मीन सीधे नहीं थे, और वह बैक एंड फोर्थ चल रहे थे। वह आगे जाता था फिर घूम करके लौट कर आ जाता था, सो स्ट्रेंजली, बड़े अजीब तरीके से। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू एन एंड, और वह चले जा रहा था बिना किसी सही सिरे पर पहुंचे। अर्थात उसको सिरे का मतलब यहाँ पर है कि वह जंगल से बाहर निकल जाना चाहता था, लेकिन वह उस सिरे पर जो उसे जंगल से बाहर निकाले उस पर नहीं पहुंच पा रहा था। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह चले जा रहा था विदाउट कमिंग टू एन एंड, बिना किसी निश्चित सिरे पर पहुंचे। निश्चित सिरा मतलब जंगल से बाहर आने का। ऑफ द वुड, वुड का मतलब यहाँ पर लकड़ी नहीं है, जंगल है। अर्थात वह जंगल से नहीं निकल पा रहा था, बार बार चलने के बाद भी वह अंदर ही घूमे जा रहा था, और वह ऐसे किसी सिरे पर नहीं पहुंच रहा था जो उसे बाहर का रास्ता दिखा दे। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और उसे फिर ये रियलाइज हुआ कि वह लगातार जहां पर चल रहा है वह जंगल के उसी रास्ते में बार बार घूमे जा रहा है, जगह बदल बदल कर, और बाहर निकलने का उसे अभी तक कोई निश्चित रास्ता नहीं मिला है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, यहां पर आपको रिलेट करना पड़ेगा वह पैराग्राफ जिसको हमने फिलोसॉफिकल पैराग्राफ बताया था, कि उसे अपने वे विचार याद आए कि कैसे कोई ट्रैप्ड हो जाता है, कैसे बेट के चक्कर में आकर के उलझ जाता है। ऑल एट वंस, तभी तुरंत ही रिकॉल्ड, रिकॉल्ड मीन्स रिमेम्बर्ड, उसे याद आया, हिज थॉट्स, अपने विचारों को उसने याद किया, अबाउट द वर्ल्ड, इस संसार के बारे में, एंड द रैट ट्रैप, और रैट ट्रैप के बारे में। तो यहाँ क्या सीखा, उसे अचानक से याद आया जब वह इस जंगल से बाहर नहीं निकल सका कि यह संसार एक चूहेदान है, और रैट ट्रैप की उसने इस संसार से तुलना की थी। एंड नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, और दुनिया की तो बात छोड़ो, आज उसका स्वयं का नंबर आ गया है और वह चूहेदान में फंस चुका है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, तो आप पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी बताते हुए, कि उसने सोचा था कि यह संसार एक बहुत बड़ा चूहेदान है, और इसके अंदर के जो आकर्षण हैं, इसकी जो विलासिता है, इसके जो आकर्षण हैं, जो आनंद हैं, वह एक बहुत बड़ा धोखा है, यह एक मृग मरीचिका है, और जो इसमें फंसता है वह परेशान हो जाता है। और आज 3 कोरोनर जो 10 की वैल्यू के नोट्स थे उनको चुराने के बाद वह खुद इस स्थिति में आ गया था। तो उसका अपना टर्न आ गया था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड,
बाय अ बेट, और आज उसने खुद को मूर्ख बना लिया था एक बेट, बेट का मतलब उस चारे से। यहाँ पर चारे का रेफरेंस क्या है, चारा रेफर्स टू, बेट रेफर्स टू 310 कोरोना नोट, एंड हैड बीन कॉट और पकड़ा गया। इसके बाद आप यहाँ पर समझते हैं द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, लोगों के लिए तो संसार पिंजरा था लेकिन इस समय ये जंगल जिसमें पेड़ थे, जिसमें ट्रंक्स शाखाएं थी, तने थे, ब्रांचेस थी, वह इसके लिए इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लॉग्स, जो कि मोटे तगड़े जहां पर गिरे हुए लट्ठे पड़े हुए थे, इट मीन्स लकड़ियां पड़ी हुई थी, ये सारा जो यहाँ का सराउंडिंग था क्लोज्ड इन अपॉन हिम, यह उसके ऊपर बंद हो गया था। आप सारे वर्ड्स को अगर जोड़ करके देखें तो पाएंगे कि ये जंगल जहां पर पेड़ थे, शाखाएं थी, लकड़ियां पड़ी हुई थी, आज यह उसके ऊपर छा गया था और उसके लिए जेल का काम कर रहा था, लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन। इम्पेनेट्रेबल मतलब अनब्रेकेबल, प्रिजन मी जेल, और ये एक ऐसी जेल की तरह से उसके लिए था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और जिससे यह भाग नहीं सकता था। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरह से रेट रैप पैडलर कैसे खुद को फंसा लेता है। तो आपने इस फिलोसॉफिकल चैप्टर में अब तक ये जाना कि यह संसार आकर्षण वाला है, अगर हम केवल सोचते और बातें बनाते हैं तो हम बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन कहीं हमारी बुद्धिमानी प्रैक्टिकल विजडम वाली है या थियोरटिकल है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अच्छा सोचने के बाद भी जब हमारे लालच का टर्न आए तो हम उस लालच में उलझ जाएं। हमारा ज्ञान तभी काम का है जब हम बुरे समय में सही डिसीजन लेकर के उससे परहेज करने में अपने आप को स्ट्रांग रखें और अपने आप को चेक करें, कंट्रोल करें। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते चलते आपको बता दें कि इसका जो टाइटल होगा इस साइड में लिखा हुआ है द पेडलर गॉट ट्रैप्ड, आखिर में पेडलर भी पकड़ा गया, उलझ गया। और ये जो अंडरलाइंस हमने की हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये आपको आंसर्स में बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो पैराग्राफ नंबर 10 में आपसे जल्दी ही मिलते हैं इस तरह के सारे लेक्चर्स देखते रहने के लिए, और पुराना जितना भी स्टफ है उसको हासिल करने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और हमारे चैनल पर इंग्लिश रिलेटेड सभी एस्पेक्ट, चाहे वो राइटिंग सेक्शन हो, चाहे लिटरेचर हो, वो कैब हो या ग्रामर हो, को से रिलेटेड सभी लेक्चर्स को देखने के लिए आप प्लीज जुड़े रहें और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से, और प्लीज दूसरों की हेल्प करने में हमेशा आगे बढ़ें और शेयर करें जिनको इंग्लिश इम्प्रूव की जरूरत है, हमारे चैनल को शेयर करें और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।